गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स और लाइक करने वाले पर्सन हैं जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का प्रेम स्नेह हमें प्राप्त होता रहता है। हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप बेहतर प्रदर्शन करें, हर एक बिंदु को बारीक से स्टडी किया करें। साथ में आवश्यकता है कहीं पर अगर आपको डाउट हो तो आप एक काम भी कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीन शूट आउट भी कर लिया करें, स्क्रीन शूट भी ले लिया करें। अगर कहीं कोई मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, अगर लगातार मैं कंटिन्यूस चलता गया तो जहाँ पे आपको गैप दिख रहा है तो वहाँ पे आप स्क्रीन शूट करके और फिर आप उसको जूम करके भी देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कहीं कोई समस्या तो नहीं आ रही। जहाँ पे आपके टीचर्स हैं, जो भी टीचर्स आपकी हेल्प करते हैं, उनकी भी आप यूज़ ले कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं, उनसे स्टडी पॉइंट करा सकते हैं। अगला जो चैप्टर है हमारा आज 27 है, वास्तविक संख्याएँ। ये पहला चैप्टर है और पहला ही वीडियो क्रमांक इसका प्रारंभ होगा। अभी ढेर सारी वीडियो हमने लोड किए हैं MGSA एकेडमी चैनल पे, MCSA एकेडमी टीचिंग के नाम से जो हमारा चैनल बना है, उस चैनल पर पर्याप्त मात्रा में वीडियो लोड किए जा रहे हैं। आप प्रतिदिन घर बैठे स्टडी कर सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आप अगर मेहनत के साथ काम करना शुरू कर देंगे तो इन वीडियो में क्लास 10 तक के विद्यार्थियों कोई समस्या नहीं होने वाली, घर बैठे ही A to Z स्टडी पॉइंट कर सकते हैं। बेहतर रहेगा जो स्टूडेंट कर चुके हैं अभी आराम से बैठे हैं तो वो भी अपनी रिवाइज कर सकते हैं, हाई स्कूल के स्टूडेंट जो बाहर चले गए रिवाइज रिविजन कर सकते हैं, दूसरे विद्यार्थियों को बताएँ, एक पूरा माहौल ऐसा क्रिएट किया जाए ताकि समस्त भारत देश के विद्यार्थी जो हैं, जो स्टडी के मामले में सबसे ज़्यादा सचेत हैं, आगे बढ़ने के इच्छुक हैं, वह सबसे ज़्यादा घर बैठे स्टडी कर सकें, इसको इस मुहिम में शामिल किया गया। बेहतर है सहयोग दें और साथ हमारा लें। ओके, थैंक यू। वास्तविक संख्याएं हम शुरुआत करने जा रहे हैं, पहली 27 वास्तविक संख्या हमारा पहला चैप्टर होता है। वास्तविक संख्या में शुरुआत तो सीधी युग्मित विभाजन प्रमेयिका से आ गई, लेकिन वहाँ अभी पहुँच पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने पहले बता रखा कि जो भी चैप्टर मैं प्रारंभ करूँगा उस प्रारंभ किए गए चैप्टर में जो भी उसका बेसिक होगा, पहले बेसिक ज्ञान जरूरी है और बेसिक ज्ञान को हम पहले देना चाहेंगे। आइए सबसे पहले हम संख्याओं की बात करते हैं। अगर आप लोगों ने सुना संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ रियल है, वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं? दुनिया में 50 संख्याएं, हजारों संख्याएं, संख्या एक से शुरू होती, एक से अनंत तक चली जाती, इन्हें हम वास्तविक संख्याएं के रूप में जानते हैं। वास्तविक प्राकृतिक संख्याओं का विभाजन, जोड़, संख्याओं की वैरायटी, जैसे मैं मान लूँ मेरे पास आज बॉल है, बहुत सारी बॉलें रखी हैं, उस बॉल रखी में से मैं कहूँ कि आपको दो प्रकार की बॉल निकालनी, विरोधी रंग वाली, काली तो सफ़ेद विरोधी रंग होते, अलग अलग रंग वाली निकालिए, कौन छोटी है कौन बड़ी है, उस रंग माने उस बॉलें तो बहुत सारी हैं, बॉलों को हम कई वैरायटी में बांट देंगे। उसी प्रकार से आज हम संख्याओं को, जो आपका टॉपिक दिखाई दे रहा है, इस संख्याओं को हम कई रूप रंग में बांटना चाहते हैं, आकार उनके सिस्टम के अनुसार वे किस तरह से फॉलो करती हैं, क्या नियम है, क्या तरीका है, तो उनको हम कई बार बांट करके उनको अलग करना चाहते हैं। आइए इस बिंदु पर हमारी सहयोग प्रदान करें। नंबर वन पहला होता है जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या है? वे संख्याएं जो प्रकृति में मौजूद चल अचल तथा सजीव व निर्जीव की गणना करने का कार्य करती हैं।
प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। गणना माने गिनती, काउंटिंग। काउंटिंग्स दोष वो संख्याएं जो हमारी प्रकृति में मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे पेड़ पौधे, पहाड़, जल, झरना, उन सब की काउंटिंग करती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ये स्टार्ट होती हैं आपकी 1, 2, 3 से लेकर के जाती हैं अनंत एन तक। एन यहाँ पे अनंत के लिए शुरू होता है। इसी बिंदु पर विवाद भी है, बहुत से लोगों का मानना है कि ये संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं। 0 क्यों है? क्योंकि हम लोग कहते हैं कि पेड़ नहीं है, तो इसका मतलब पेड़ उस स्थान पर 0 है। और अगर चूंकि अगर कोई वस्तु है जिसकी हमें काउंटिंग करनी है तो वो वस्तु कम से कम 1 होगी। अगर वो 0 है तो उसकी काउंटिंग करनी ही नहीं है। अगर कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे, गमले, हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं, हिंदू जैसे बिल्डिंग कहेंगे, पेन कहेंगे, पेंसिल कहेंगे, ये हैंडमेड है, ये प्रकृति से हमने निकाल करके फिर इसको अपने हाथ से बनाया। तो प्रकृति में मौजूद जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी गिनती करने के लिए वो संख्या काम करती है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या का काफी लोगों का, गणितज्ञों का मानना है यह संख्या 1 से प्रारंभ होती। कुछ लोग कहते हैं 0 से प्रारंभ होती, लेकिन जो 0 से कहते हैं, तो अगर मान लो आप सोच के चले कि मैंने कहा कि आप पेड़ की गिनती करके आइए, अगर पेड़ इस दुनिया में है ही नहीं, 0 माने सुन वो चीज है ही नहीं, तो फिर गिनती किस बात की जाएगी। इसलिए इसको विशेष का रूप से माना गया है 1 संख्या से। आइए प्राकृतिक संख्या कहलाती है। अब मेरे पास प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो गई, आप इसको नोटेड डाउन कर लीजिए प्लीज। जैसे चर्चा हो चुकी है हमारी कि समस्त धनात्मक संख्याएं जो होती हैं, चाहे वो परमेय संख्या हो, अपरमेय संख्या हो, परमेय संख्या परमेय अभी हम समझाएंगे कौन सी कहलाती, भिन्न संख्या हो, किसी भी संख्या का वर्ग 2 बार गुणा, उसे हम वर्ग कहते हैं। मतलब वो संख्या का, अगर वो संख्या का वर्ग अगर एक धनात्मक संख्या है तो वो संख्या अपने आप में वास्तविक संख्या होगी, रियल नंबर होगा, दैट इज कॉल्ड द रियल नंबर। इन्हीं को आगे हम जब डिवाइड करेंगे तो अगर बात करेंगे संख्या हमारी प्राकृतिक हो गई यानी वास्तविक संख्या होगी, इन्हें हम कई सेक्शन में बांटते हैं। नंबर 1 आता है सम संख्या, विषम संख्या, सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, या उन संख्याओं में जिनमें इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आए वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। दूसरे शब्द में व्यवहारिक ज्ञान के रूप में अगर हम बात करते हैं तो व्यवहारिक ज्ञान के रूप में बात करते हैं हमारी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक जाने वाली संख्या है, जो अनंत तक जाती, अनंत को हम सिंबल के रूप में n डिसाइड करते हैं। हम एक बात करते हैं समान होता है, समान जिनका जोड़ा समान हो। मैं अगर बात करूं यहां पे 2 स्टूडेंट हैं, इन दोनों का जोड़ा बन गया समान हो गया, ठीक है। लेकिन अगर 3 स्टूडेंट हैं अगर मैं इन दोनों का ए वाला जोड़ा बनाता हूं तो फिर ये वाला अलग हो गया स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों का ए वाला जोड़ा बनाता हूं तो फिर ये वाला स्टूडेंट अलग। लेकिन अगर मैं इन दोनों को इस साइड से जोड़ा बनाता हूं तो बीच वाला अलग हो गया। किसी भी स्थिति में वो संख्या जिनके जोड़े बनाए जा सकते हैं, दूसरी परिभाषा आप समझिए, परिभाषा क्या है, किसी भी विषय वस्तु किसी भी टॉपिक पर जो भी आप अपने दिल दिमाग से सोच करके परिभाषित करते हैं उसके बारे में सटीक जानकारी देते हैं उसे हम परिभाषा कहते हैं। परिभाषाएं कभी भी एक सी नहीं होती, अगर आप किताब उठा के देखें किसी भी टॉपिक किसी भी बात की बात करें तो सबको परिभाषा लगाएंगे, लेकिन सिद्धांत एक होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो सम संख्याएं वे संख्याएं
जिनका जोड़ा बनाया जा सकता है। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम एक साथ मैनेज कर सकें, एक सिस्टम से रख सकें, उन सम संख्याएं कहते हैं। और वे संख्याएं, इसमें हम बात करते हैं सम संख्या की, अगर एग्जांपल की बात करें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ये लास्ट पर जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 9 हम बात करेंगे 2, 4, 6, 8, 10 फिर लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 यही आपका क्रम जारी है 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7 तो आप हमेशा जानिए सम का रूल क्या होता है, वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं, भाग चला जाता है, जिनका जोड़ा बन जाता है और जिनके इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो। विषम संख्याएं जिनमें दो का भाग नहीं जाता, भाग पूर्णता ना जाए, भाग जाएगा तो लेकिन पूर्णतः ना जाए, भाग देने पर कुछ ना कुछ सीखिए, हम दो का भाग पहले में तो नहीं जाएगा, तीन देंगे 2 एकम 2 बचाए 2 बच्चे 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 दशमलव में आ जाए, अपूर्ण संख्या आ जाए तो इसे हम कहते हैं विषम संख्या, या जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 इकाई है, या जिस संख्या में पूर्णतः दो का भाग ना जाए, या फिर वह संख्या जो किसी भी स्थान में जोड़ा ना, सम माने होता समान, विषम माने होता पृथक, माने तीन में से अगर हम बात करें तो एक तो सम बन रहा, जोड़ा बन रहा, लेकिन तीसरा वाला पृथक हो रहा, अलग हो रहा, तो विषम माने अलग ही होता है। तो सम विषम को हमने जो स्टडी किया है कि सम संख्याएं वे संख्याएं जिनका हम जोड़ा बना सकते हैं, सम संख्या वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूर्णतः जा सकता है, सम संख्या वे संख्याएं जिनके इकाई के अंत पर 2, 4, 6, 8 हो और 0 हो वह सम संख्या कहलाती। विषम संख्याएं इनका जोड़ा हम नहीं बना सकते, पहला नंबर 2 दो का भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होती, दशमलव में शेष बचता है, दूसरा तीसरा इनके इकाई के अंक में 1, 3, 5, 7, 9 हो वह हमारी विषम संख्याएं कहलाती है। स्पष्ट, अब इसको भी आप नोटेड डाउन कर लें, सम विषम संख्याएं पर्याप्त पर्याप्त थी। मैं देखिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, मेरे पास बहुत सारी बॉल है, अब बॉलों को मैं कई कैडर में बांटूँ, कई कैडर माने कई रूप रंग में बांटूँ, नंबर 1 लाल मैंने कर दी एक साइड मैंने हरी कर दी, या फिर ऐसा मत समझो बॉलें बहुत सारी थी, अब बॉलों में से मैंने कहा कि वो बॉलें छाटी जो बड़ी थी कुछ छोटी थी, मैंने 2 कैटर मार दिया, अब बड़ी में से मैं छा तो मैं बॉलें मेरे पास फिर मैंने मिस कर लिया, अब फिर मैं क्या करूँ, दूसरे अलग तरीके से मैं देखूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए चर्चा करते हैं, इसको नोटेड डाउन कर लें आप लोग। इसके बाद संख्या प्राकृतिक संख्या परमानेंट हमारे पास अवेलेबल है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत जाने वाली संख्या, यहाँ पर हमारा n है। इस अनंत तक जाने वाली संख्याओं में सम विषम मैंने 2 भागों मार दिया, ये हमारी बॉल्स हैं, इन बॉल्स को लेकर के कोई भी वस्तु हम मान सकते हैं, हम मान सकते हैं कि हमारे पास गेहूं रखा है, गेहूं में से मैं कई चीज़ें बांट रहा हूँ, गेहूं अलग कर रहा हूँ दूसरा अलग कर रहा हूँ, ऐसा भी मान सकते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर की बात करते हैं। अब मैं मान बांटूंगा इनको अभाज्य और भाज्य और अभाज्य 2 भागों में, इन्हीं संख्याओं संख्या वही है भाज्य और अभाज्य। आपने पढ़ा होगा ज्ञान, ज्ञान माने ज्ञान नॉलेज, अज्ञान आमीन्स हो जाता नहीं। तो हम जब बात करते हैं भाज्य माने भाग, यहां शब्द भाग से शब्द हुआ है, भाग शब्द पे, भाज्य मीन्स भाग शब्द पे नजर रखिए, भाग से इसको पैदा किया गया इस वर्ड को भाज्य, और आमान होता है आपका नहीं, नहीं भाग माने ऐसा। अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आती है कि जिसमें भाग ना जाए, भाग ना जाए तो वो नहीं शब्द कहा जाता, और भाग जिसमें चला जाए वो भाग आ जाता। तो बात क्या आती है, प्रत्येक संख्या में एक और स्वयं से विभाजित होती, कोई भी संख्या नहीं, एक का भाग भी जाएगा और एक से एक का भाग जाएगा एक बार, एक का 2 में जाएगा 2 बार और 2 से 2 बार कटेगी, एक से 3 में जाएगा 3 बार और 3 एकम 3, एक से 4 में जाएगा 4, 1 चौके 4 और 4 एकम 4, प्रत्येक संख्या का एक
और स्वयं वह संख्या से दोनों से विभाजित है। क्योंकि इसमें अभी हमें इसका प्रयोग करना है, तो हम इसको चाहेंगे कि इसकी भाज्य की परिभाषा लिखी है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। क्योंकि ये तो एक्चुअल इसकी वास्तुता में यही परिभाषा होती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं वह संख्या, स्वयं दस है तो दस से विभाजित हो जाए, इसके अलावा अगर अन्य किसी से विभाजित हो, जैसे मैं बात करूंगा दो की, दो स्वयं में अपने आप में वही संख्या है, स्वयं से भी दो विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, तीन एक से विभाजित होती है और तीन से विभाजित होती है, चार एक से विभाजित होती है। अगर मैं चार की बात करता हूँ, एक का नोटिस करिए, चार एक का भाग जा रहा, एक का कितने बार जा रहा, चार चार का भाग जा रहा, कितने बार जा रहा, एक बार, एक और चार से, इसके अलावा चार में किसी और संख्या का भाग जा रहा, दो का भाग जा रहा, ये तो दो परमानेंट रहेंगे ही। अब एक तीसरा निकल गया है जिसको हमने कहा दो, कि दो का भाग जा करके संख्या कितने बार आ रही, दो दो नहीं चार, तो जब एक और चार के अतिरिक्त अगली संख्या आ जाती है, नोटिस पर करीब भाग, एक और चार का तो भाग जा ही रहा है, लेकिन इनके क्योंकि चार एक का तो भाग जाएगा ही परमानेंट, इसको आप रोक नहीं सकते, एक का भाग प्रत्येक संख्याओं में विभाजित कर देता है, ये बात फैक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं, इसमें कोई चैलेंज नहीं। लेकिन एक और स्वयं वह संख्या, जो संख्या यहाँ पर चार है ये भी चार है, एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग उस संख्या अमुक संख्या में चला जाए, भाग कैसा जाए, पूर्णतः, अपूर्णता नहीं, पूर्णतः पूर्ण संख्या भाग, तो वह संख्या हमारी भाज्य कहलाती है। ये भाज्य दोबारा फिर नोटिस करिए, जैसे मैं बात करता हूँ सेवन, सेवन में मैं भाग दूंगा एक का, एक का भाग जा रहा, आंसर आ रहा सेवन, सात भाग जा रहा, सात हम फिर दोबारा लेंगे, सात संख्या का भाग देंगे, यहाँ भाग दिया, भाग आया एक बार। इसके अलावा क्या इन दोनों के अलावा कोई और संख्या है जिसका इसमें भाग जा रहा, नहीं जा रहा, तो भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा, नहीं माने होता है आ, अभाग, अभाग में भाग को शब्द बदल के उनने इस्तेमाल किया यहां पे भाज्य, तो आ भाज्य निकल गया है। आप सभी तक प्रत्येक गणित में लिखे गए शब्द का अपना एक मूल जो शब्द बना हुआ था ना आधार रूप, उसको शब्द को आइडेंटिफाई किया, लेकिन उस शब्द का प्रयोग करके जो अगला शब्द बना उसमें उस शब्द का पूरा भाग छुपा रहता, पूरा सिस्टम छुपा रहता कि वो कैसे निकल गया, तो भाग ना जाए चला जाए तो भाज और ना जाए तो अभाज, चला जाए तो भाज और ना जाए तो अभाग, तो भाग भाग ही भाज। तो हमने बताया है वो संख्या, एक संख्या यहां पे दो आई, देखिए दो निकल के आ गई, नोटिस करिएगा ये संख्या दो निकल के आ गई, तो आपका जो चीज आती है तो भाग दो का जा रहा, तो ऐसी स्थिति में हमारा ये कैसा हो जाएगा, भाज्य होगी, और जब किसी संख्या में एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त भाग नहीं जाता तो भाज्य। इसको हम एक चीज से और आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी परिभाषा मुझे एक और लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका प्रयोग हमारे इस रियल नंबर जो है हमारा है वास्तविक संख्या रियल नंबर इनमें सबसे ज्यादा किया गया है, इसलिए इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। एक परिभाषा इसकी और होगी, वो क्या होगी, जिस संख्या का गुणज एक के अतिरिक्त
एक के अतिरिक्त अन्य पुरुष गुणज हो वह संख्या भाज संख्या कहलाती है। ये क्या परिभाषा है भाई? मैंने जब आपको की चार, मैंने सपोज चार को सीधे में आ गया, मैं दो से शुरू करता हूँ, दो का गुणज दो के अलावा एक तो होगा ही परमानेंट। किसी भी संख्या को गुणज एक, किसी भी संख्या में एक का गुणा और एक का भाग सदैव होता है। अगर मैंने यहाँ पे जैसे सपोज मैंने यहाँ पर टेन लिखा तो टेन बराबर लिख सकते हैं टेन मल्टीप्लाई बाई वन, और टेन बराबर लिखते हैं टेन डिवाइड बाई वन। ये चीज़ हमेशा हमेशा होती है, एक का मल्टीप्लीकेशन एक का डिवीजन हमेशा होता है किसी भी संख्या में। लेकिन इस संख्या में एक के अतिरिक्त एक तो होगा ही, अगर एक के अतिरिक्त अतिरिक्त कोई भी गुणज हो, क्योंकि अभी हमें सिद्ध करना है, अभी हमें सिद्ध करना है कि यह भाज संख्या है या भाज संख्या, अभी वो टॉपिक में आएगा। तो मैं पहले इस बिंदु को स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि एक के अतिरिक्त अन्य कोई संख्या, जैसे मैं बात करूँ चार, तो चार संख्या में दो बिंदु चार मुझे भाज्य, हमने कहा दस, गुणज माने गुणा में संख्या लिखी गई गुणा में, दस पाँच दूनी दस, एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणज हो, यहाँ पाँच है वो दो इस्तेमाल, एक तो है ही एक तो होगा ही, अगर आप इसको करेंगे तो एक तो आपका होगा ही, एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी गुणज हो जो वो संख्या ना हो, तो ऐसे स्थिति में उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग भाज संख्या कहते हैं। भाज को स्पष्ट समझ लीजिए, यहाँ पे भाज की परिभाषा ये है, लेकिन इसका प्रयोग अभी आपको करना, क्योंकि अभी क्वेश्चन आपके पास आएगा दस गुणे तीन, दस क्या मैं इसको सात गुणे तीन प्लस पांच गुणे सात, आप क्या करेंगे सात को कॉमन बाहर निकालेंगे, तीन प्लस पांच करेंगे सात मल्टी पांच तीन आठ, यहाँ पे दो चीजों की किताब लिख देंगे, ये हमारी भाग संख्या। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी भाग नहीं निकल रहा तो फिर भाग संख्या बनेगी एक, अगर उसमें किसी संख्या का भाग चला जाता, मतलब गुणज की बात आ गई, यहाँ पे गुणज की बात होगी, तो गुणज के लिए भी आप आइडेंटिफाई करेंगे भाग में, तो आपने नोटिस कर लिया होगा भाज। आइए हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं जिसे हम कहते हैं आ। इसी में परिभाषा आ जाती है, वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, स्वयं यहां पे आ जाएगी कि अतिरिक्त के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभाजित ना हो, विभाजित हो जाए तो भाज्य, विभाजित ना हो, यहां शब्द कर दीजिए आप ना, ना माने नहीं, विभाजित ना हो, नोटिस कर लीजिए, जिन संख्या में भाग चला जाए वो भाज्य, भाग ना जाए वो अभाज्य। तो यहां शब्द आता विभाजित ना हो, ना शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, प्रयोग हो जाता है, वो हमारी कहलाती है अभाज्य संख्या। नोट इट डाउन करें। अब इसके बाद हम इसके भाज्य अभाज्य संख्याओं को हम स्पष्ट भी कर लें, क्या है कौन कौन से नंबर्स होते हैं। एक नोटिस कर लीजिए, एक को जीरो तो आप जानते हैं, जीरो माने नगण्य, कुछ भी नहीं, किसी भी समय में जीरो शब्द का इस्तेमाल हो जाता तो नगण्य शून्य मान लेते हैं, वो चीज़ है नहीं, एम्प्टी खाली मान लेते हैं। एक ना तो भाज्य है ना भाज्य, इसको एक को ना तो भाज्य कहते हैं ना भाज्य कहते हैं, हमेशा नोटिस कर लीजिए। यहाँ पे शब्द शुरू करेंगे भाज्य, यहां पे संख्या लिखेंगे हम अभाज्य। पहली अभाज्य संख्या दो होती है, दूसरी अभाज्य संख्या तीन, क्योंकि एक का भाग जा रहा दो का, जो नोटिस कर लिए स्टूडेंट, ये सम जरूर है, ये विषम है। तो अगर कोई भी व्यक्ति पूछ ले पहली सम अभाज्य होगी, पहली सम अभाज्य और पहली विषम अभाज्य, ये भी कभी बार क्वेश्चन आ जाता है मामले, सम विषम संख्या पहले बात कर चुके, बस एक एक विषम, दो सम, तीन विषम, चार सम, पांच विषम, छह सम, सात विषम, आठ सम। तो आप देखिए एक के बाद एक, एक के बाद एक संख्या सम और विषम होती है, ये नोटिस कर लीजिए, ये दिमाग में आप नोटिस कर लीजिए, प्रत्येक संख्या के बाद सम और विषम संख्याएं होती हैं, इस बात को नोटिस कर लीजिए। लेकिन इसमें हम बात करेंगे अभाज्य दो तीन चार में भाग जा रहा, पांच में भाग नहीं जा रहा, छह में भाग जा रहा, सात में भाग नहीं जा रहा, आठ में दो का चार का भाग जा रहा, नौ में तीन का भाग जा रहा, दस में दो और पांच का भाग जा रहा, ग्यारह में किसी का भाग नहीं जा रहा, बारह में दो तीन चार छह का भाग जा रहा,
13 में किसी संख्या का नहीं जा रहा, 4 में 14 में 2 का भाग जा रहा, 7 का भाग जा रहा हमारा, 15 में 2 3 का जा रहा, 15 का 3 का 5 का जा रहा, 16 में 3 2 का 4 का 8 का 17 में नहीं जा रहा। इस तरह से संख्याएं हमारी अनंत तक चली जाएंगी। ये हमने जो एरो लगाया है वो अनंत तक जाने वाली संख्याओं को निरूपित करने का मैंने प्रयास किया है। तो पहली बात, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा, पहली सम संख्या, पहली सम अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। पहली सम अभाज्य संख्या 2 है और पहली विषम अभाज्य संख्या 3 है। भाज्य की बात करें, 1 ना तो सम है ना तो विषम है, ना भाज्य ना अभाज्य। जी मैंने नोटिस किया, देखिए दिमाग रखिए, क्लास में 2 हो गया, 3 हो गया। अब पहली भाज्य संख्या होती हमारी 4, ये समभाज्य संख्या, नोटिस कर लीजिए। समभाज्य, पहली सम 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है और फिर क्या है आपकी 9 है। देखिए यहाँ पे बात आ गई, 1 को मैंने छोड़ दिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 हो गया, यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 13 हो गया, यहाँ 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा और इस तरह 17। मतलब आप देखेंगे तो इन दोनों को जब मिक्स कर देंगे, उन्हें अपने स्थान के अनुसार से लगा दीजिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं क्रम के तौर 1 सबसे बड़ा कर दिया, प्रारंभ इससे शुरुआत होती है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 तक संख्या है। 20 तक हमने वो संख्याएं लिखी हैं जिनमें एक और एक को तो अलग कर दिया, पृथक कर दिया, अलग कर दिया, जिनमें स्वयं वह संख्या, एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त भाग जाता हो या नहीं जाता हो। नहीं जाता हो तो मैंने ऊपर वाली राय ली, और जिनमें भाग जाता हो उन्हें नीचे वाली भाग ली। अब नोटिस करिएगा कि आपको दिखाई पड़ रहा है वे संख्या सम संख्या, सम संख्या, पहली सम, ये क्वेश्चन आ जाता, पहली सम भाज्य संख्या, पहली सम भाज्य संख्या 4, पहली विषम भाज्य संख्या आपकी 9। ये सम है, सबको ज्ञात है, ये हमारी क्या है, विषम संख्या। इवन नंबर एंड ओड नंबर, दैट इज द सम संख्या और विषम संख्या। तो आप इसको नोटेट कर सकते हैं, पहली भाज्य संख्या अभाज्य संख्या ये दोनों हम डिफाइन कर रहे हैं। यहां पे शब्द बात करेंगे, इन संख्याओं को छांटने के बाद करेंगे। मैंने एक क्रम में लिखा, अनंतता में लिखता चला गया, 19 के बाद ही हमारी संख्या अनंत तक गई, 20 के बाद भी हमारी संख्या अनंत तक गई, और मैंने उसको लिखा और लिखने के बाद एक दो हिस्से में मैंने बांट दिया। अब मैं बांटने को, वो संख्याएं एक नियम फॉलो कर रही हैं कि इनमें संख्याओं में एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, 2 का भाग जा रहा, 2 3 का भाग जा रहा, 2 4 का भाग जा रहा, 3 का भाग जा रहा, 2 5 का भाग जा रहा, 2 4 6 का भाग जा रहा, 2 7 का भाग जा रहा, 3 5 का भाग जा रहा, 2 4 8 का भाग जा रहा, 2 और 9 का भाग जा रहा और 2 5 10 का भाग जा रहा। लेकिन इन संख्याओं में किसी भी संख्या में एक के अतिरिक्त, एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त भाग नहीं जा रहा, भाग नहीं जा रहा। इन संख्याओं में एक और स्वयं वह संख्या के अतिरिक्त भाग नहीं जा रहा, तो नहीं जाने वाली भाग इसे कहते आभाग, आभाग संख्या। कौन सी भाग संख्या? आभाग, जिनमें भाग आ माने नहीं, भाग माने भाग जाए, तो उन शब्द को भाग को परिवर्तित करके हमने क्या इस्तेमाल किया, भाज्य, अभाज्य संख्या। तो जी कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है, इन्हें भाग नहीं जानता, जी कौन सी संख्या है? भाग संख्या है, इन दोनों को आइडेंटिटी, तो हमने इनको कह दिया अभाज्य कर दिया और इसको हमने कर दिया भाज्य। आप इन लोगों को समझ गए होंगे, दोबारा स्पष्ट करें। दूसरा आता है अभाज्य संख्या की परिभाषा और है,
जिसको हमें सबसे ज़्यादा ज्ञात करना है, और संख्याएं तो हमें स्पष्ट हो गया। आभास संख्याओं का प्रयोग कहाँ पे होता है इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा है? आभास संख्याओं का सबसे पहला प्रयोग होता है जब भी आप किसी भी संख्या को भाग देते हैं, मतलब गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड या हम लोग लासापा निकालते हैं, तो लासापा में भी गुणनखंड करता, गुणनखंड में हमेशा प्रत्येक दिशा में आभास संख्याओं का ही प्रयोग होता है। 2, 3, 5, 7, 11 इन्हीं संख्याओं का प्रयोग हमारे गुणनखंड में होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब नेक्स्ट, क्योंकि इन सब का भाग देने का नियम भी होता है, 2 का भाग किस संख्याओं में जाता है? 2 संख्या भाग उन संख्याओं में जाता है जिस संख्या की इकाई के अंतर्गत 0, 2, 4, 6, 8 है। 3 का भाग किन संख्याओं में जाता है? वो संख्या जिनके योग में, जिनके योग में 3 का भाग चला जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। 5 का भाग किन संख्याओं में जाता है? जिस संख्या के इकाई के अंत में 0 और 5 होता है वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 7 का भाग किस में जाता है? इकाई के अंक का दुगुना कर ले, उस संख्या को इकाई का अंक छोड़कर घटा लें। यह प्रक्रिया तब तक करते जाएं जब तक आपका 2 अंक की संख्या ना बचे। नोटिस कर लीजिए, 7 थोड़ा सा टिकर होता है, जैसे मैं करता हूँ 2, 5, 8 की बात कर रहा हूँ, 8 का जस्ट दुगुना कर लें, 8 × 16 इकाई से घटा लीजिए, घटाने के बाद कितना आएगा? 9। आप देख रहा 9 में अगर 7 का भाग चला जाएगा तो विभाजित हो जाएगा। फिर दोबारा देखिए 6, 5, 4, 2 था, इसमें क्या 7 का भाग जाएगा? तो 7 के विभाजन का नियम क्या है? इकाई का अंक दुगुना कर लें, 2 × 4 घटा दें, 6, 5, 0 जीरो का दुगुना करेंगे आप 0 कहलाएगा, 65 से घटाएंगे 65 आ जाएगा, 5 का दुगुना करेंगे तो दुगुना करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अब 2 अंक बचे हैं। अगर 2 अंक में अगर हमारा 7 का भाग चला जाता है तो वो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। 2 से विभाजन का नियम क्या है? अब बात आ रही है तो एक बार हम आपको रिवाइज कर देते हैं, बचपन में आपने 6-7-8 में पढ़े होंगे, 2 के भाग के जिसके इकाई 6, 4, 3, 2, 1 इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आती है, इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। 3 से विभाजन के नियम 6, 2, 3 आप जोड़ दें, 6 + 2 + 3 3 × 5 और 5 × 6 = 11 Am I right? 11 में आपका 3 का भाग नहीं जा रहा है तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। किसी भी संख्या में इकाई के अंक पर 0 और 5 आ जाता है, 5 आए तो संख्या 5 से 0 तो चूंकि आपका 2 से भी विभाजित हो जाएगा तो 5 आना चाहिए, तो 5 अगर आए तो 5 से विभाजित। 7 का 11 का क्या है? कोई भी संख्या लिखी जाती है एक अंक छोड़कर, एक अंक के बाद एक अंक छोड़कर इसको मार्क कर लीजिए, सम और विषम पद पे आई हुई संख्याओं को अलग अलग जोड़ दें, 7, 5, 12 और 6, 12, 6, 18 सम और विषम पद पे आई हुई संख्या को जोड़ दें, जोड़ने के बाद आप इसमें घटाने, घटाने पर प्राप्त संख्या यदि 0 और 11 का पहाड़ा है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाती। मुख्यतः इन संख्याओं का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है विभाजन में। एक बार जान लीजिए, ये संख्या समस्त अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। अभाज्य संख्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिसका हमें प्रयोग करना है। भाग आप समझ रहे हैं, जब भी किसी भी संख्या का एक भी गुणज होगा तो वो भाज्य हो जाएगी। जब किसी भी संख्या का भाज्य के हिसाब से समझिए, अभी इसमें चैप्टर में भाज्य के हिसाब से नोटेट किया गया, जब भी किसी भी संख्या का एक भी गुणज हो तो वह संख्या भाज्य है, भाग जा रहा, और अगर एक भी गुणज नहीं है तो वह संख्या अभाज्य है। एक बार जान लीजिएगा, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर भाग चला जाता है तो वह संख्या के गुणज में वह अंक निश्चित ही होता है। 10 के गुणज में क्या है? 2 और 5, क्योंकि 2 का भाग जिसमें चला गया इसलिए यह संख्या अपने गुणज में होती है। अगर किसी भी अंक का भाग उस संख्या में चला जाता है तो जब उस संख्या का हम गुणज करते हैं, गुणज माने गुणनखंड में लिखते हैं, तो संख्या में वह अंक निश्चित ही होता है। तो थोड़ा 2 यहाँ पर होगा, ये भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला जो चैप्टर है हमारा आता है वह है हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट चैप्टर है परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय के आगे आ शब्द लगा, आ माने होता नहीं, इसका मतलब वो संख्या जो परिमेय नहीं,
वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती है। जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाए तथा क्यू का मान जीरो ना हो, क्यू का मान जीरो ना माने काट दिया, खो हमने कर दिया तो ना हो, वह संख्या परमेय संख्या कहलाती है। ये बात सबको ज्ञात है, नोटिस करिए। वह आप भिन्न जानते हैं, भिन्न भी आप जानते हैं, भिन्न होती है आपकी, मतलब एस बटे बाई में बात करता हूँ, इसको कहते हैं हम लोग अंश। नीचे वाले कहते हैं हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की हम लोग बात करते हैं। तो वह संख्या जो एक्स बटे बाई के रूप में लिखी जाती है, अंश बटे हर के रूप में लिखी जाती है, तो हम लोग इसको कहते हैं परमेय संख्या। ये बात आपको सबको पता है, प्रत्येक भिन्न संख्याएं, प्रत्येक भिन्न संख्याएं ही परमेय संख्या होती है। ये नोटिस कर लीजिए, प्रत्येक भिन्न संख्या, भिन्न जितनी भी संख्याएं हैं वह सब परमेय संख्या। या ऐसा मान लें हम, मैं बता दूं पूरे जहां में जो भी संख्या है, 4, 2, 1, 6, 1/2, 3/6, 9/10, 1/8, ये सब संख्याएं, चाहे आप पता है प्रत्येक संख्या के नीचे, मैं बता भी दूं कि आपके नीचे हर के नीचे हमेशा एक होता है, ये बात सबको ज्ञात है। प्रत्येक संख्या के हर में एक का गुणा एक का भाग होता है, तो हर में एक संख्या मौजूद है। तो प्रत्येक संख्या, पूरी संख्या जितनी भी आप लिख दें, वह सब भिन्न है, परमेय संख्या है। भिन्न संख्या भी परमेय संख्या है, ये नोटेड कर लीजिए। लेकिन अपरमेय कौन सी संख्या है? वह संख्या जो वर्गमूल में लिखी हो और किसी भी स्थिति में वर्गमूल संख्या का मान बाहर ना आ सके। मैंने फोर लिखा, फोर कम कर देंगे, 2 × 2 दैट इज इक्वल टू आपका मान आ जाएगा 2, ये आपकी परमेय हो जाएगी। लेकिन वह संख्या √2 आपका बाहर नहीं आ पा रहा, √3 बाहर नहीं आ पा रहा, √5 बाहर नहीं आ पा रहा, √7 बाहर नहीं आ पा रहा, √8 दो तो बाहर आ जाएगा, मतलब √8 बराबर क्या हुआ 2 √2। तो अगर दो के अंडर रूट के साथ जुड़ी कोई भी संख्या, अंडर रूट के साथ घटी कोई भी संख्या, अंडर रूट के साथ गुणा में लिखी कोई भी संख्या, अंडर रूट में के साथ भाग में लिखी कोई भी संख्या अपरमेय संख्या होती है, और बाकी समस्त संख्याएं हमारी परमेय संख्या होती है। नोट कर लीजिएगा, बरमूज के साथ, ऐसा कहते हैं ना, अभी कोरोना वायरस चल रहा, अगर कोरोना वायरस किसी और टच कर लेगा तो कोरोना हो गया, तो उसी प्रकार से वर्गमूल में लिखी कोई भी संख्या किसी भी संख्या को टच कर ले, चाहे वो टच जोड़ में करे, घटाने में करे, गुणा में करे और भाग में करे, वह संख्या हमारी अपरमेय संख्या होती है, बाकी समस्त संख्या हमारी परमेय संख्या होती है। नोटिस करिए, अनंत तक लिखी गई संख्या, अनंत तक लिखी गई कोई भी संख्या, वह समस्त संख्या हमारी परमेय संख्या कहलाती है। दिमाग में नोट कर लें कॉपी पे, अनंत तक लिखी गई संख्याएं आपकी जो पी बटे क्यू के रूप में लिखी जाती हैं, लिखा या उन्हें कन्वर्टेड किया जा सकता, वो समस्त संख्या परमेय संख्या कहलाती है। और वही संख्या जो अंडर रूट में हो, जोड़ में, गुणा में, भाग में और उनका टच ही हो और वो बाहर नहीं निकल पाए, वो हमारी अपरमेय संख्या होती है। ये क्लियर है, हम लोग कभी कन्फ्यूजन रहते हैं कि हमारी की संख्या 10 है तो 10 अपरमेय है, स्टूडेंट को अपरमी का पता ही नहीं, जब तक अपरमी का हमें पता नहीं होगा जब तक हम 10 को अपरमी नहीं सिद्ध करते। अपरमी से माने कि मैं किसी भी कोई भी सिस्टम, मेरे पास में गेहूं की तुलना करके चलता हूँ, गेहूं में से हम कंकड़ को निकाल लेंगे पूरा का पूरा गेहूं, बस पूरी की पूरी आपकी परमेय संख्या, केवल आप उसमें से कंकड़ निकाल दीजिए, केवल आप वर्गमूल की संख्याओं को चिन्हित करके बाहर कर दीजिए, वो अंडर रूट से बाहर ना निकल पाए, वो आपकी परमेय संख्या। तो परमेय अपरमेय में हमें लगा कि आपको आइडेंटिफाई कर गए होंगे, प्रयोग होगा। किसी भी संख्या को हम बचपन में भिन्न कहते थे, आज हम उसको कहेंगे 4/5, कोई संख्या 4/5 तो हम कहते भिन्न में लिखी संख्या ना, अब परमेय लिखी संख्या, यहाँ परमेय, परमेय संख्या का जोड़, परमेय संख्या गुणा, परमेय संख्या भाग कैसे होता है, ये सब संक्रियाएं आपको समझना पड़ेगा। ये संख्या 4/5 10 है, कहीं भी आपको लिखा जाएगा तो परमेय ही लिखा जाएगा, 10 परमेय संख्या, इस बात का नोटिस कर लीजिए। चलिए इस बात को भी लिख लीजिए, कुछ और संख्या मैं नोटिस करना चाहता हूं, पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण और अपूर्ण संख्या,
देखिए पूर्ण क्या होती है, जो संख्या पूर्ण होती है, जैसे सपोज अगर मैं करूं 10, 12, 15, 16, ये हमारी पूर्ण संख्या पूर्ण है हमारा। अगर हम 7 में 3 का भाग देंगे तो भाग देने के बाद वो संख्या जो दशमलव में आ जाती है, जहाँ दशमलव लग जाता है, जहाँ संख्या में जैसे 7 × 2 = 4, 7 × 3 = 6, 2 आ गया, 2 के बाद दशमलव लग जाता है। अब बचेगा 1, 3 × 9, 3 × 9 अनंत चिन्ह है। तो जब भी किसी भी संख्या में या तो भाग में लिखी गई संख्या हो, भिन्न में जिसको अपन कहते हैं, या फिर अपन इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं परिमेय में, परिमेय में लिखी संख्या और पूर्णता भाजता हूँ, जहां पे दशमलव लग जाता, मैं कहूँ कि 2.5 आदमी आ रहे थे, क्या यह संभव है? हो ही नहीं सकता, आदमी या दो होंगे या फिर तीन। तो पूर्ण संख्या वे कहलाती जिनमें हम विभाजन देने पर, भाग देने के बाद, भाग जब पूरा चला जाता है तो वो संख्या कहलाती भाजित, वो पूर्ण संख्या होती। और प्रत्येक दशमलव में लिखी संख्या हमारी क्या कहलाती? अपूर्ण संख्या कहलाती। पूर्ण और अपूर्ण, वह संख्या हमारा 6/2 है पूर्ण संख्या है, 10/5 है पूर्ण संख्या है, 120/10 है पूर्ण संख्या है, 44/11 है हमारी पूर्ण संख्या है। क्योंकि इनमें भाग देने के बाद जब आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद संख्या कितनी बचेंगी आपको, जो संख्या आएंगी वो पूर्ण संख्या आएंगी, जिनकी हम काउंटिंग की कर सकते 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से गिनती में कर सकते, प्राकृतिक संख्या के रूप में लिख सकते, वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती। अपूर्ण हम जब किसी संख्या में भाग देते हैं, 10 में हम भाग दे देंगे हम 3 का अपूर्ण संख्या है, 11 में 5 का भाग देंगे, 20 में हम भाग देंगे 7 में, 6 में भाग देंगे हम लोग 5 का, तो जब भाग देने के बाद कोई संख्या दशमलव में आ जाती है, दशमलव के बाद अंकों में आ जाती है, वो संख्या हमारी अपूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या, अपूर्ण संख्या। इसके बाद आती धनात्मक और ऋणात्मक संख्या, आप लोग भी जानते होंगे निश्चित है। धनात्मक और ऋणात्मक की मैं जब बात करता हूँ तो कौन सी संख्या धनात्मक होगी, कौन सी ऋणात्मक होगी, ये भी आपको स्पष्ट है। तो धनात्मक संख्या है 10, 15, 22, 24, प्रत्येक संख्या धनात्मक है, उसके सामने आगे धन का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन वह संख्या जो माइनस में है, -1, -2, -10, 12, 16, अगर मैं संख्या रेखा की बात करता हूं तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से 0, 1, 2, 3, इसको भी आप मार्क कर दीजिए, मार्क मैंने कर ही दिया, 4 यहां तक जाएगा n, -1, -2, -3, -4 यहां पे जाएगा आपका n तक। नोटिस करिए, आप ये नोटिस कर लें, प्रत्येक संख्या जो 0 से लेफ्ट साइड में, अगर मैं आपको यहां पे देखूंगा तो राइट साइड की बात है, राइट साइड में प्रत्येक संख्या कहलाती है वो धनात्मक होती, 0 से 0 के मान को जब भी आइडेंटिफाई किया जाए तो आपका ऐसा किया जाएगा, 0 आपका धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक की सबसे छोटी संख्या 0 होती है और ऋणात्मक की सबसे बड़ी संख्या 0 होती है। एक बात जान लीजिए, एक सूत्र है, मैं आपसे पूछूं 2 और 4 में कौन सी संख्या बड़ी है? 4 आपकी दाहिने तरफ आई और 2 आपकी बाएं तरफ आई। संख्या रेखा के नियम अनुसार जो संख्या बाएं साइड होती है वह छोटी होती है, जो दाएं साइड संख्या होती है वह बड़ी होती है। अब मैं आपसे बात करता हूं 0 पे आगे, 0 में देखेंगे -1 और 1 में कौन सी संख्या बड़ी है? 1 बड़ी है, -1 छोटी है। अगर उसी प्रकार बात करें -10 और -3 में कौन सी संख्या बड़ी है? -3 बड़ी होती है। ऋणात्मक में जस्ट अपोजिट रहता है, ऋणात्मक में छोटी संख्या, छोटी लिखी गई संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। धनात्मक में कोई भी छोटी संख्या छोटी होती है और बड़ी संख्या बड़ी होती है। देखो दोनों का नियम बदल गया, धनात्मक में छोटी संख्या छोटी और बड़ी संख्या बड़ी, ऋणात्मक में छोटी संख्या बड़ी विपरीत और बड़ी संख्या छोटी होती है। 0 का कोई भी चिन्ह नहीं होता, 0 धनात्मक ऋणात्मक कुछ इस तरह से लिखा जाता, जब भी आपको 0 को आइडेंटिफाई करना पड़े तो आप ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे दोनों चिन्ह को लगा, नहीं 0 धनात्मक भी होता है 0 ऋणात्मक होता है, सबसे बड़ी संख्या 0 होती है, सबसे छोटी संख्या होती है। आज यह हमारा संख्याओं का जो वर्गीकरण था वह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट डे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सिस्टम करेंगे, कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जन्म कहाँ से हुआ, क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों किस तरह से इसका मैनेज किया गया, इस पर चलेंगे। आइए इसको चैप्टर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।